हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ मिक्स वेज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली है। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद की सब्जियाँ ले सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉलीफ्लावर लिया है, आलू लिया है, फ्रेंच बीन्स लिया है, एक कैरेट लिया है और फ्रोज़न ग्रीन पीस लिए हैं और एक कैप्सिकम ले लिया है। तो यहाँ पे आप वेजिटेबल की क्वांटिटी अपने हिसाब से प्लस और माइनस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सभी चीज़ों को फ्राई करेंगे। सभी सब्जियों को हमें यहाँ पे फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन कर रही हूँ। आपके पास बड़ा सा बर्तन है तो आप एक साथ में भी सभी सब्जियों को फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉलीफ्लावर डाल दिया है। यहाँ पे सभी सब्जियों को मैंने बड़ा बड़ा ही काटा है जिससे वो फ्राई होगी और बाद में सब्जी बनेगी तो वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हमारा कॉलीफ्लावर फ्राई होके रेडी है। हम उसको एक पैन में निकाल लेंगे। बाद में हम बाकी की सब सब्जियों को एक ही साथ में डाल देंगे, आलू, फ्रेंच बीन्स और कैरेट को, और उसको 2 से 3 मिनट फ्राई करने के लिए हम छोड़ देंगे। और वो जैसे ही 2 से 3 मिनट फ्राई होती है, बाद में हम उसके साथ ही हमारे जो फ्रोज़न ग्रीन मटर है वो डाल देंगे। जब तक हमारी सब्जियां फ्राई हो रही है तब तक हम साइड में हम ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर लिया है, उसमें अनियन, 2 अनियन ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको बड़ी बड़ी काट के डाल दी है, 2 हरी मिर्च डाली है, अदरक का छोटा टुकड़ा डाला है और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाली है और उसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे बारीक बारीक काट करके भी डाल सकते हो या मिक्सचर ग्राइंडर में स्मूथ पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। तो ये हमारे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ऑनियन चॉप होके रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ भी फ्राई होके रेडी हो गई है, उसको भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, रेड, ग्रीन, येल्लो। तो ये देखने में तो बहुत ही मज़ेदार है, वैसे खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्जी। और उसको इस सब्जी में कोई तामझाम नहीं है, बहुत झटपट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब उसी ऑयल में हम हमारा जो बड़ा बड़ा काटा हुआ कैप्सिकम है उसको भी डालेंगे। कैप्सिकम को हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उसको हॉट ऑयल में डाल के 1 मिनट हिला के बस कुक करना है। हमें कैप्सिकम को क्रंची ही रखना है, बस डाल के ही हम निकाल लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो अब हमारी सभी सब्जियां फ्राई होके रेडी है, हमारे ऑनियन, हरी मिर्च, अदरक भी चॉप होके रेडी है। अब हम तड़के की प्रिपरेशन करेंगे, पर यहाँ पे ऑयल ज़्यादा है तो हम ज़्यादा ऑयल निकाल लेंगे, बस 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल रखेंगे। अब हम तड़के की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना जीरा डाल दिया है। जीरा चटक जाने के बाद 1 सूखी मिर्च, 2 तेज पत्ता डाला है और हमने जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ऑनियन को चॉप किया था वो हमने उसमें डाल दिया है और उसको हम भून लेंगे। और इसके अंदर हम नमक और हल्दी डाल देंगे जिससे हमारी ऑनियन जल्दी से पक जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखा ना ये कितना इजी है बनाना। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमारी ऑनियन ने ऑयल छोड़ दिया है, बाद में हम उसमें 1 टमाटर को बारीक काट करके डाल देंगे। यहाँ पे आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे टमाटर थोड़ा पक गया है, बाद में मैंने स्मैशर की मदद से उसको स्मैश कर दिया है। ऐसे करने से सभी मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिल जाते हैं और इसे प्रेस करने से जो जूस निकलता है उससे हमारी ग्रेवी का एक टेस्ट बहुत ही अच्छा एनहेंस होता है।
अब हम उसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसमें बेसिक मसाले करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसिक मसालों में 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच जितना काश्मीरी लाल मिर्च लिया है, यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च पहले डाली है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, 1 चम्मच जितना किचन किंग मसाला डाला है और 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी को हाथ से मसल के उसमें डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए ही भुनेंगे। और बाद में हम यहाँ पे 1 कप जितना पानी डाल देंगे जिससे हमारे मसाले जल नहीं जाएंगे और ग्रेवी अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। अब हमारी ग्रेवी बन के रेडी है, उसको हम ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। तो हमारी ग्रेवी रेडी है, अब हम हमारी जो फ्राई की हुई सब्जियां है वो हमारी ग्रेवी में डाल देंगे। तो देखा ना ये झटपट से कितनी मज़ेदार कलरफुल मिक्स वेज बन के रेडी हो गई है। ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी बनती है घर पे और ये घर में सभी को बहुत ही पसंद आने वाली सब्जी है। आप इसको रोटी, नान, पराठा, राइस के साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए उसको पकने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे नमक कम लगे तो आप यहाँ पे नमक एडजस्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी मिक्स वेज बन के रेडी है, हम उसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यहाँ पे मुझे नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा नमक और डाला है ऊपर से। तो फ्रेंड्स, हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाजू में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको हमारी नई नई रेसिपी देखने को मिलेगी। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करना। तो ये मिक्स वेज रेसिपी आप बनाना और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि आपकी मिक्स वेज कैसे बनी है। ये मेरी गारंटी है, आप इस तरह से बनाओगे तो हर बार ऐसे ही बनाओगे और घर में सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे।